रहें और खुश रहें। जी, अभी ये सुनीता बंसल जी थे, और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं सुश्री वंदना गुप्ता जी को। आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपने एमए बीएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। आपके काव्य संग्रह असमिता की तलाश, मयूर पंख ख्वाहिशों में ख्वाहिशों के मयूर पंख ख्वाहिशों के बिरह के बितान में फिर लौटेंगी स्त्रियां, और कई साझा संग्रह आपके आ चुके हैं और कई प्रकाशाधीन हैं। आपकी कविताएं और समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। वंदना गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत नमस्कार, है। धन्यवाद रजनी जी। रजनी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जी पहले स्वागत मैं है। माँ शारदे को नमन करते हुए इस पटल की जो नींव रखे हैं एन चंद्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हम स्त्रियों को एक मंच देकर उभारने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपनी छोटी सी दो तीन शेर, उसके बाद मैं अपनी कविताओं पर आऊंगी कि मैं जी, कोई स्वागत मजमा है। नहीं, मैं कोई मजमा नहीं, न संगमरमर में लिपटी कब्र कोई। मैं कोई जी मजमा नहीं, न संगमरमर में लिपटी कब्र कोई, जिंदा एहसासों की इमारत हूं मैं, मौत का नहीं ताजमहल कोई। क्या जिंदा बात, एहसासों की इमारत हूं मैं, मौत का नहीं ताजमहल कोई। देखिए, अस्थियों के बारे में कि दहलीजे लांघना हमारी फितरत तो नहीं, जी क्या दहलीजे बात, लांघना हमारी फितरत तो नहीं, पर हमें अपना आसमान तो चाहिए। दहलीजें सही, लांघना हमारी फितरत तो नहीं, पर हमें अपना आसमान तो चाहिए। हथकड़ियां भले ही पहना दो तुम वजूद को मेरे, पर क्या मुझे बात, अपना जहान तो चाहिए, पर मुझे बहुत अपना जहान तो चाहिए। बहुत सुंदर, आगे है। शानदार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तलाशता हूँ दिल के आईने में खुद को बड़ी शिद्दत से हर रोज, तलाशता हूँ दिल के आईने में खुद को बड़ी शिद्दत से हर रोज, मगर कुछ चेहरे हैं कि बड़ी बेरुखी से देखते हैं मुझे, मगर कुछ चेहरे हैं कि बड़ी बेरुखी से देखते बहुत सुंदर, हैं। एक शेर और देखिए कि मेरे रंगरेज तुझे तेरे खुदा का वास्ता, मेरे रंगरेज तुझे तेरे खुदा का वास्ता, मेरी रूह की चादर को धानी कर दे, और मेरे जिस्म पर किसी और का पहरा है, मेरी क्या खामोश निगाहों को पानी कर दे। मेरे बात है, जिस्म पर किसी और का पहरा है, मेरी खामोश निगाहों को पानी कर दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अपनी कविताओं पर आती हूँ जी। इससे कि एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, बताना जी। चाहूंगी कि बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। अनुराग अगम जी, उमर खेचा जी, रजनी बाफना जी, और बसंत कुमार मेहता जी, अरुणा मेहता जी, सविता श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र गुप्ता जी, और बहुत सारे श्रोतागण हैं। सभी श्रोतागणों का बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ, और उनसे आग्रह भी करती हूँ कि हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छी कवित्रियों को सुनने का, बेहतरीन कवित्रियों का सुनने का सुअवसर मिला है आपको, और आप बने रहिएगा। जी सभी वंदना जी, श्रोताओं को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब मैं अपनी कविताओं पर आती हूँ। कविता का स्वागत शीर्षक है। है मासूम लड़की। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि झुर्रियों भरे चेहरे में भी कभी कभी जाग जाती है हमारे अंदर की मासूम लड़की। हम नहीं क्या कहेंगे तुमसे कि झुर्रियों भरे चेहरे में भी कभी कभी जाग जाती है हमारे अंदर की मासूम लड़की, ढूंढने अपना किशोर वय सागर सी आंखों में, ढूंढने अपना किशोर वय सागर सी आंखों में। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि इन दिनों गुजर जाता है कोई मेरे भीतर, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि इन दिनों कोई गुजर जाता है मेरे भीतर, जगाने कोई पुरानी स्मृति।
जाग जाती है मेरे अंदर की चिराई, धन्यवाद, जाग जाती है मेरे अंदर की चिराई, खोजने नीले आकाश में किसी पुराने दुख की कड़ी। जाग जाती है मेरे अंदर की चिराई, खोजने नीले आकाश में किसी पुराने दुख की कड़ी। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि इन दिनों बहुत याद आती हैं वे गलियां, जहां प्रतीक्षारत आंखें खिड़की पर तोड़ देती हैं दम अंतिम विदाई के बाद। जहां प्रतीक्षारत आंखें खिड़की पर तोड़ देती हैं दम अंतिम विदाई के बाद। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि झुर्रियों भरे चेहरे में भी कभी कभी जाग जाती है हमारे अंदर की मासूम लड़की ढूंढने अपने किस अपना किशोर वह प्रेम सागर सी आंखों में। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि इन दिनों गुजर जाता है मेरे भीतर कोई जगाने पुरानी स्मृति, जाग जाती है मेरे अंदर की चिराई, खोजने नीले आकाश में किसे पुराने दुख की कड़ी। हम नहीं कहेंगे तुमसे कि इन दिनों बहुत याद आती हैं वे गलियां, जहां प्रतीक्षारत आंखें खिड़की पर तोड़ देती हैं दम अंतिम विदाई के बाद। बहुत सुंदर, मेरी धन्यवाद, मेरी है की चिराई, बहुत सुंदर जी, नीता जोशी जी भी बहुत सुंदर कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, धन्यवाद। मेरी दूसरी छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है बहुत दूर तलक जाना है। मेरी कश्ती को अपनी आंखों का समंदर दे दो, मेरी कश्ती को अपनी आंखों का समंदर दे दो, मेरे ख्वाबों को बड़ी दूर तलक जाना है, चांद सितारों की रोशन जहां में प्रेम की एक बस्ती बसाना है। मेरी आंखों की कश्ती को अपनी आंखों का समंदर दे दो, मेरे ख्वाबों को बड़ी दूर तलक जाना है, चांद सितारों की रोशन जहां में प्रेम की एक बस्ती बसाना है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी एक और तीसरी कविता पर आती हूँ, संवेदनाओं की फसल। जी, हम बोते रहेंगे संवेदनाओं की फसल हमेशा, हम बोते रहेंगे संवेदनाओं की फसल हमेशा मिट्टी की सृजनात्मक शक्ति में, हम बोते रहेंगे संवेदनाओं की फसल हमेशा मिट्टी की सृजनात्मक शक्ति में, ताकि प्रेम से परे स्वाभिमान की भूमि में पनप सके हमारा वजूद, ताकि प्रेम से परे स्वाभिमान की भूमि में पनप सके हमारा वजूद। प्रेम जिसके संवेगों में खली जाती रही हैं स्त्रियां देह के संजाल में बंधी, प्रेम जिसके संवेगों में खली जाती रही हैं स्त्रियां देह के संजाल में बंधी। चलो अब उन प्रदेशों से अलग नई भूमिकाओं के साथ चले हम नए रास्ते लक्ष्मण रेखा के बाहर, चलो अब उन प्रदेशों से अलग नई भूमिकाओं के साथ चुने हम नए रास्ते लक्ष्मण रेखा से बाहर, करे नए क्षितिज का अन्वेषण देह की परछाइयों से मुक्त, करे नए क्षितिज का अन्वेषण देह की परछाइयों से मुक्त, ताकि स्त्रीत्व के स्वतंत्र पहलुओं से वाकिफ हो सके धरा, ताकि स्त्रीत्व के स्वतंत्र पहलुओं से वाकिफ हो सके धरा। हम बोते रहेंगे संवेदनाओं की फसल हमेशा मिट्टी की सृजनात्मक शक्ति में, ताकि प्रेम से परे स्वाभिमान की भूमि में पनप सके हमारा वजूद। प्रेम जिसके संवेगों में छली जाती रही हैं स्त्रियां देह के संजाल में बंधी, चलो अब उन प्रदेशों से अलग नई भूमिकाओं के साथ चुने हम नए रास्ते लक्ष्मण रेखा से बाहर, करें नए क्षितिज का अन्वेषण देह की परछाइयों से मुक्त, ताकि स्त्रीत्व के स्वतंत्र पहलुओं से वाकिफ हो सके धारा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत शानदार रचना जी, नीता जोशी जी और हरीश चंद्र गुप्ता जी, बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं, आपके काव्य पाठ की सराहना कर रहे हैं, आपको हार्दिक बधाई, और फिर से आपको मंच समर्पित करती हूँ, माइक समर्पित करती हूँ जी। धन्यवाद सविता जी, धन्यवाद हरीश जी। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है सदा नीरा।
अब जब तुम आ गए हो अंधेरों को फोड़ कर उजालों की ओर, अब जब तुम आ गए हो अंधेरों को फोड़ कर उजालों की ओर, ठेल कर सख्त मिट्टी की तहें अपने नए रूप में ढलते बड़ी उम्र के लिए। अब जब तुम आ गए हो अंधेरों को तोड़कर उजालों की ओर, ठेल कर सख्त मिट्टी की तहें अपने नए रूप में ढलते बड़ी उम्र के लिए, पीत वर्णी पुष्पों से चमकते सुनहली धूप में, तो मैं सदा नीरा सी गुजरती रहूंगी अंतर से तेरे, सुनहला रखने तुझे अपने स्पर्श से हरदम। क्या बात है। अब जब तुम आ गए हो अंधेरों को फोड़ कर उजालों की ओर, ठेल कर सख्त मिट्टी की तहें अपने नए रूप में ढलते बड़ी उम्र के लिए, पीत वर्णी पुष्प से चमकते सुनहली धूप में, तो मैं सदा नीरा सी गुजरती रहूंगी अंतर से तेरे, सुनहला रखने तुझे अपने स्पर्श से हर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आपको तीन कविताएं सुनाती हूँ, प्रेम, विरह और अध्यात्म से बंधी हुई कविताएं, रची हुई स्वागत है कविताएं, जी, स्वागत छोटी छोटी कविताएं हैं कि दुख से तदातम के बाद, दुख से जी तदातम के बाद अब नहीं रोती उसकी आंखें, दुख से तदातम के बाद अब नहीं रोती उसकी आंखें, बस पत्थर हो जाती हैं ना पिघलने की जिद में, बस पत्थर हो जाती हैं ना पिघलने की। दुख से तदातम्ब के बाद अब नहीं रोती उसकी आंखें, बस पत्थर हो जाती हैं ना पिघलने की जिद। दूसरी कविता है अंतिम स्वप्न। जी मैं स्थित प्रज्ञ हूँ कालखंड में अपने, मैं जी स्थित प्रज्ञ हूँ कालखंड में अपने, कर रही साधना प्रेम की कर मैं लीन, मैं स्थित प्रज्ञ हूँ कालखंड में अपने, कर रही साधना प्रेम की कर्म में लीन, पराकाष्ठा है गंतव्य निर्माण है अंतिम स्वर्ग, पराकाष्ठा है गंतव्य निर्माण है अंतिम स्वप्न। मैं स्थित प्रज्ञ हूँ कालखंड में अपने, कर रही साधना प्रेम की कर्म में लीन, पराकाष्ठा है गंतव्य निर्वाण है अंतिम सत्य। इसकी छोटी सी ये कविता, इसकी तीसरी कविता है स्वागत शब्दहीन। है, स्वागत। उसने कहा शब्द दो प्रेम की गहराई को, ध्यान दीजिएगा कि उसने कहा शब्द दो प्रेम की गहराई को, जैसे मैं देता हूँ कविताओं में गीतों में गजलों में, जैसे मैं देता हूँ कविताओं में गीतों में गजलों में, वह सुनती रही आंख बंद किए और जब खुली उसकी आंखें झर रही थी शब्दहीन प्रेम की गहराई आंखों से उसकी। उसने क्या कहा बात, शब्द दो प्रेम की गहराई को, जैसे मैं देता हूँ कविताओं में गीतों में गजलों में, वह सुनती रही आंख बंद किए और जब खुली उसकी आंखें झर रही थी शब्दहीन प्रेम की गहराई आंखों से उसकी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। जी श्रोतागण बने हुए हैं हरीशचंद्र गुप्ता जी और नीता जोशी जी और अंजू दुबे जी, बहुत खूब कह रही हैं। बसंत कुमार मेहता जी कह रहे हैं कि मैं अच्छा संचालन कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप ही को 2 पंक्तियां सौंपती हूँ, वंदना जी आपको भी और जी बसंत जी आपको भी। स्वागत पाती अपने प्रेम की, जैसा कि आपने प्रेम की बात की, है जी। पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, पाती अपने प्रेम की लिख दी तेरे नाम, डोलू इतुत बावरी लोग करें बदनाम, रिरजनी वाह लोग करें बदनाम, लोग बहुत करें बदनाम, बढ़िया, रिरजनी लोग करें बदनाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से माइक आपको समर्पित करती हूँ। इस बीच हमारे साथ प्रमिला शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, आपका जी हार्दिक स्वागत है जी। वंदना जी धन्यवाद प्रेम प्रमिला शर्मा जी। अब मैं बसंत की बात करना चाहूंगी, दो कविताएं, एक छोटी कविता एक बड़ी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि स्वागत है। बसंत था या पतझड़ नहीं जानती,
बसंत था या क्या पतझड़, नहीं जानती, कुछ तो था इस मौसम के मिजाज में जो तुझ सा था, कुछ तो था इस मौसम के मिजाज में जो तुझ सा था। बसंत था या पतझड़, नहीं जानती, कुछ तो था इस मौसम के मिजाज में जो तुझ सा था। मेरी बहुत सुंदर, कविता का शीर्षक है बसंत कन्या। बहुत सुंदर। हे बसंत कन्या, तुम्हारी हथेली पर रचा फूलों का सौंदर्य। हे बसंत कन्या, तुम्हारी हथेली पर रचा फूलों का सौंदर्य ले जाता है मुझे सौरभ की घाटियों में। हे बसंत कन्या, तुम्हारी हथेली पर रचा फूलों का सौंदर्य ले जाता है मुझे सौरभ की घाटियों में, और मैं विमोहित विकल आकिंचन झड़ता चला जाता हूँ निर्जर सा तुम्हारी अतल गहराइयों। और मैं विमोहित विकल आकिंचन झड़ता चला जाता हूँ निर्जर सा तुम्हारी अतल गहराइयों में। तुम्हारे बाहुबंधन भाव विभोर थाम लेते हैं मेरे उद्दाम वेग को विनम्र अपनी हरिमा में। तुम्हारे बाहुबंधन भाव विभोर थाम लेते हैं मेरे उद्दाम वेग को विनम्र अपनी हरिमा में, और मेरे भाव तुम्हारे माधुर में घुलकर धवल पुष्प से बिखर जाते हैं तुम्हारी केसराशियों में। और मेरे भाव माधुर में घुलकर धवल पुष्प से बिखर जाते हैं तुम्हारी केसराशियों में। हे बसंत कन्या, तुम्हारी हथेली पर रचा फूलों का सौंदर्य ले जाता है मुझे सौरभ की घाटियों में, और मैं विकल विमोहित आकिंचन झरता चला जाता हूँ निर्झर सा तुम्हारी अतल गहराइयों में। तुम्हारे बाहुबंधन भाव विभोर थाम लेते हैं मेरे उद्दाम वेग को विनम्र अपनी हरिमा में, और मेरे भाव तुम्हारे माधुर में घुलकर धवल पुष्प से बिखर जाते हैं तुम्हारी केसराशियों। बहुत सुंदर। और आपको बताना चाहूंगी कि सारिका फ्लोर जी केन्या से जुड़ी हैं और आपके काव्य पाठ की सराहना कर रही हैं, और मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि प्रमिला शर्मा जी संचालन की प्रशंसा कर रही हैं और हरीश चंद्र जी कर रहे हैं और नीता जोशी जी संचालन को अच्छा कह रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी वंदना जी, फिर जी, से सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं फिर जो है दो तीन छोटी छोटी कविताओं से आपके साथ जुड़ती हूँ। जी स्वागत है आपका। क्या जी, क्या फिर कोई फूल खिलेगा इस वीराने में, अब एक सजर बीमार हूं मैं, उड़ गए मेरे अजीज परिंदे सारे, मौसमों का अब नहीं तलबगार। क्या क्या फिर कोई फूल खिलेगा इस वीराने में, अब एक सजर बीमार हूं मैं, उड़ गए मेरे अजीज परिंदे सारे, मौसमों का नहीं तलबगार, मौसमों का नहीं तलबगार। दूसरी एक छोटी सी कविता है कि जिन दरवाजों से सदाएं लौट आई हैं महरूमियत बनकर, जिन दरवाजों से सदाएं लौट आई हैं महरूमियत बनकर, वो दरवाजे मेरे अजीज दोस्तों के थे, वो दरवाजे मेरे अजीज दोस्तों के थे। जिन दरवाजों से सदाएं लौट आई हैं महरूमियत बनकर, वो दरवाजे मेरे अजीज दोस्तों के थे, वो दरवाजे मेरे अजीज। क्या बात है, बहुत सुंदर एक और छोटी सी कविता जी, जिसको सुनना चाहिए। मेरे मित्रों ने काफी सराहा था कि समय ठहरा हुआ मुसाफिर तो नहीं, समय ठहरा हुआ मुसाफिर तो नहीं, पर छोड़ जाता है अपने पीछे ना जाने कितने स्मृतियों के अवशेष, जख्मों के शिलालेख, सराह में ठहरे पथिकों की दास्तानें। समय ठहरा हुआ मुसाफिर तो नहीं, पर छोड़ जाता है अपने पीछे ना जाने कितने स्मृतियों के अवशेष, जख्मों के शिलालेख, सराह में ठहरे पथिकों की दास्तानें। जीवन के वे पल जो रचते हैं इतिहास, जीवन के वे पल जो रचते हैं इतिहास। समय ठहरा हुआ मुसाफिर तो नहीं, पर छोड़ जाता है अपने पीछे ना जाने कितने स्मृतियों का के अवशेष, जख्मों के शिलालेख,
तरह में ठहरे पथिकों की दास्ताने जीवन के वे पल जो रचते हैं इतिहास, जीवन के वे पल जो रचते हैं इतिहास। और मैं बबीता राणा चाहूंगी जी का जी बहुत सुंदर, क्षमा करें जी 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 पढ़िए। फिर मैं जुड़ती हूँ, फिर छोटी छोटी कविताएं आप कहें, अगर आपको बड़ी कविताएं पसंद है तो मैं बड़ी कविताओं पर आऊं, अगर आप चाहें तो मैं जी आपका काव्य पाठ बहुत सुंदर चल रहा है और बबीता राणा जी आपको वाह वाह कह रही हैं, अभी जुड़ी हैं और लगातार कमेंट कर रही हैं, और प्रमिला शर्मा जी वाह वाह कह रही हैं, आपका काव्य पाठ बहुत सुंदर चल रहा है, आप पढ़िए और पढ़िए। जी जी स्वागत है आपका। जी मैं एक छोटी सी कविता फिर पढ़ती हूँ। कबूतर जी के स्वागत है मालिक जी। पहाड़ की तलहटी पर बसे गांव से आए थे कुछ लोग थाल में लिए सौगाते। पहाड़ की तलहटी में बसे गांव से आए थे कुछ लोग थाल में लिए सौगाते, कुछ सुहाग चिन्ह उसकी खाते। और उन्हीं थालों में ले गए उसका वजूद अमानत के तौर पर, तब से अब तक वह गांव की थाती है मर्यादा भी, तब से अब तक वह गांव की थाती है मर्यादा भी, और ओढ़े रही अपना वजूद, झुकाए रही अपनी गर्दन कबूतर के मानित अब देह में अपनी। बहुत आप सुंदर जानते हैं कि स्त्रियों को झुककर रहना पड़ता है, हमारी गर्दन झुकी रहती है और स्त्रियों को थाती समझा जाता है, तो यही एक दुख मैंने एक स्त्री के संदर्भ में रचा था कि पहाड़ की तलहटी में बसे गांव से आए थे कुछ लोग थाल में लिए सौगाते, कुछ सुहाग चिन्हों की खातिर, और उन्हीं थालों में ले गए रखकर उसका वजूद अमानत के तौर पर, तब से अब तक वह गांव की थाती है मर्यादा भी, अगर ओढ़े रही अपना वजूद, झुकाए रही अपनी गर्दन कबूतर के मानिंद देह में अपनी। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं देख रही हूं मैम कि 2 मिनट का समय और है मेरे लिए, जी आपका स्वागत, अभी पढ़िए आप, कोई बात नहीं। तो मैं दो कविताएं और छोटी छोटी पढ़ती हूँ। कि मैं जी स्वागत मिट्टी है आपका। नहीं मिट्टी का सौंधापन हूँ, मैं मिट्टी नहीं मिट्टी का सौंधापन हूँ, तुम समंदर का नमक बन जाओ तो अच्छा है, मैं महकती रहूं चमन के फूलों में, तुम किसी के दर्द में बह जाओ तो अच्छा है, मैं महकती रहूं चमन के फूलों में, तुम किसी के दर्द में बह जाओ तो अच्छा। मैं मिट्टी नहीं मिट्टी का सौंधापन हूँ, तुम समंदर का नमक बन जाओ तो अच्छा है, मैं महकती रहूं चमन के फूलों में, तुम किसी के दर्द में बह जाओ तो अच्छा है, क्या तुम बात किसी के दर्द में बह जाओ तो अच्छा। बहुत अगला सुंदर। है कि तेरी वश में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, तेरी वश में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, ना ही शम्मा हूं किसी परवाने की, मेरे नगमों ने छेड़े हैं तरन्नुम कई उजालों के, मैं महकी हुई तकदीर हूँ इस जमाने की, मैं महकी हुई तस्वीर हूँ इस जमाने की, तेरी वश में छेड़ी हुई कोई गजल नहीं हूं मैं, ना ही शम्मा हूँ किसी परवाने की, मेरे नगमों ने छेड़े हैं कई तरन्नुम उजाले के, मैं महकी हुई तकदीर हूँ इस जमाने की, मैं महकी हुई तकदीर हूँ इस जमाने की। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बबीता राणा जी प्रणाम कर रही हैं, आपका बहुत स्वागत है और आपको भी नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आपने मिट्टी की बात की तो चंद जी लाइनें कहना चाहूंगी। स्वागत है मैम। एक मुट्ठी भर मिट्टी और थोड़ा सा पानी, एक मुट्ठी भर मिट्टी और थोड़ा सा पानी, जैसा चाहा वैसा ढाला कदर किसे ना जानी, जैसा चाहा वैसा ढाला कदर किसे ना डाली, किस कदर किसे ना जानी, दे आकार दिए का मुझको, दे आकार दिए का मुझको जब भट्टी में डाला, दे आकार दिए का मुझको जब भट्टी में डाला, मेहमा राह दिखाई पथ पर जल के, मेहमा सबने मानी, राह दिखाई वाह पथ पर जल के मेहमा सबने मानी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। जी आप जी छोटी सी कविता और पढ़िए तो आपका जी जरूर स्वागत। जरूर जी। मेरी कविता का शीर्षक है गुजारिश। चाहे मत उतारो मुझे विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठताओं में, चाहे मत उतारो मुझे विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठताओं में, प्रकृति के मिलन चित्रों में, सभ्यता संस्कृति गीत गजलों में, कैनवास तूलिका चित्रों में, भले ही न भरो हरे पीले नीले रंगों से मेरा अंतर। चाहे मत उतारो मुझे विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठताओं में, प्रकृति के मिलन चित्रों में, सभ्यता संस्कृति गीत गजलों में, कैनवास तूलिका चित्रों में, भले ही न भरो हरे पीले नीले रंगों से मेरा अंतर। चाहे ना पुकारो मुझे विशुद्ध प्रेम के आवाहन में, विज्ञान आध्यात्म ग्रह नक्षत्रों में मत करो मेरी खोज, पर इतना तो करो, पर इतना तो करो, स्व आकार लेते मेरे वजूद को मत भरो अपनी कामनाओं का जहर, पर इतना तो करो, स्व आकार लेते मेरे वजूद में मत भरो अपनी कामनाओं का जहर, मत उखाड़ो अपनी स्व जमीन से मुझे, मत उखाड़ो अपनी स्व जमीन से मुझे। चाहे मत उतारो मुझे विभिन्न कलाओं की श्रेष्ठताओं में, प्रकृति के मिलन चित्रों में, सभ्यता संस्कृति गीत गजलों में, कैनवास तूल का चित्रों में, भले ही न भरो हरे पीले रंगों से मेरा अंतर। चाहे ना पुकारो मुझे विशुद्ध प्रेम के आवाहन में, विज्ञान आध्यात्म ग्रह नक्षत्रों में मत करो मेरी खोज, पर इतना तो करो कि स्व आकार लेते मेरे वजूद में मत भरो अपनी कामनाओं का जहर, मत उखाड़ फेंको अपनी स्व जमीन से मुझे, मत उखाड़ फेंको अपनी स्व जमीन से। आपका काव्य पाठ बहुत शानदार रहा और बहुत सारे श्रोतागणों ने सुना। आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और मैं भी आप साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल हमेशा आपका आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। फिर मिलेंगे हम, फिर जी मिलेंगे। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पटल पर जो श्रोता थे उनको भी और चंद्रा जी को भी बहुत बहुत